अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने आज एक बैठक अंबेडकर पार्क में आयोजित की, जिसमें वो हर महीने के आखिरी रविवार को बैठक का आयोजन करते हैं। उस बैठक में मुख्य बिंदुओं को, पूरे महीने में किए गए कार्यों को बताया जाता है तथा आगे के कार्यों के बारे में अपने सदस्यों को बताते हैं कि आगे अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। ये संघ अंबेडकर जी के हर एक विचार को घर घर जा कर के बताता है। मेरा नाम है एमपी सिंह, मैं अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। सर, किस चीज़ को लेकर आज आपकी बैठक का आयोजन? आज वैसे हमारी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मासिक बैठक है और ये मासिक बैठक हमारे जो निर्धारित नियमानुसार जो हमारा मंथ का लास्ट रविवार होता है उसमें हम आहूत करते हैं और इसी तत्वाधान में जो आज की हमारी मीटिंग है उसमें हमारे संघ के जो एजेंडे हैं उसमें मुख्य रूप से है कि जो हमारी संघ का जो अभियान चल रहा है उसमें अनेक कार्यक्रम हम महीने में जो आयोजित करते हैं उसमें हमने क्या गतिविधि की है। जैसे अब इस महीने में हमने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें विभिन्न गांव में जाकर के हमने शाखाएं खोली हैं। शाखाओं के साथ साथ उन गांव में जाकर के हम संघ के बारे में जो बाबा साहब का मिशन है समता मूलक समाज की स्थापना करना उसके बारे में हम लगातार लोगों को जागरूक करते हैं। उसी के साथ साथ एक गांव है यहाँ महलकपुर, उसमें हमारी समाज के व्यक्तियों के साथ जो है दूसरे समाज के जो दमंग लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो नहीं होने चाहिए, अर्थात इससे जो बाबा साहब का मिशन है जो समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए उसमें लगातार बाधा उत्पन्न होती रहती है, तो वो मुद्दा भी हमारे संघ द्वारा उठाया गया है। और पिछली बार हमने इस महीने में अल्टीमेटम भी दिया था एक दिन के धरना प्रदर्शन के द्वारा कि भाई या तो इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए और अगर नहीं सुलझाई जाएगी तो हम भविष्य में इसके लिए जो है संघ के बैनर तले जो है कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हमारे जो कप्तान साहब हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, संघ को विश्वास दिलाया था कि हम जल्दी ही जो है कार्यक्रम को देखते हुए आपकी मांग को देखते हुए जो है जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दिलाएंगे, उनको पकड़ा भी जाएगा और जो भी अनिरुद्ध कार्रवाई वो की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए इसी तारतम्य में आज हमें विचार भी करना है कि कप्तान साहब ने चूंकि जो हमारी बातें हुई थी उससे हमें रिजल्ट नहीं मिला है तो हम भविष्य में इसी सप्ताह के अंदर कल या परसों में उनको लिखित में जो है सूचना देंगे और जो हमारी मांगे थी हैं वो उसमें क्या बाधा उत्पन्न हुई, क्यों पूरी नहीं की गई, उसके लिए हम अगर नहीं करते तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। ये आज का हमारा इसमें एजेंडा भी है। उसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे हमारे एजेंडे रहते हैं, जैसे हमारे जो समाज के शोषित व्यक्ति हैं उनको कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा उसको हमें देखना है। उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम आ रही जो शासन है, शासन स्तर से हमारे जो छात्र हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और छात्रवृत्ति के साथ साथ जो सबसे बड़ा गंभीर विषय है वो ये है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ की है TMU, वहाँ पर हमारे जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शासन को उसका जो फीस का जो पार्ट से शासन से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ एक नई व्यवस्था और कायम कर दी है कि शासन से उन्होंने निश्चित किया कि भाई न्यूनतम इतना पैसा मिलेगा, यदि यूनिवर्सिटी ज़्यादा पैसा लेती है तो वो जो है छात्र उसको वहन करेगा, तो ये हमारे समाज के साथ एकदम धोखा है। इसके लिए हम जो पूरी तरीके से जो है लड़ाई लड़ेंगे और यदि सफल नहीं होते तो धरना प्रदर्शन करेंगे और हम शासन